मुझे पता है कि आप सभी अगर यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पास हो गए होंगे, जिनका परसेंटेज बहुत बढ़िया आया होगा, बहुत खुश होंगे, मिठाई वगैरह भी बांटे होंगे। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, उनका नंबर कम आया है या फेल हो गए, तो उनके लिए बोर्ड ने क्या किया, एक ऑप्शन दिया। आप लोग जानते हैं कि स्क्रूटनी का फॉर्म आ गया है, 19 मई से पहले आप क्या कॉपियों का आप चेकिंग करा के अपना नंबर बढ़वा सकते हैं, जो फेल है वो पास हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने डिटेल में क्या किया है वीडियो बना दिया, अगर आपको देखना चाहते तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां पे देख सकते हैं कि भाई स्क्रूटनी कौन कौन करा सकता है, स्क्रूटनी क्या होता है, कैसे आपका नंबर बढ़ता है, कितना पैसा लगता है, सारा चीजें मैंने बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल मेरे पास आया है कि सर क्या स्क्रूटनी में नंबर कम भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्रूटनी जब होता है तो आपका नंबर बढ़ने का चांस रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होता है भैया क्या नंबर घट भी सकते हैं, तो बिल्कुल मैं बता दूं, यहां पे मैं स्क्रीन पे आपको लगा देता हूं, यहां पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया कि जो स्क्रूटनी का नंबर होता है उसी को अंतिम नंबर माना जाता है। यानी आपने क्या किया, अगर 40 नंबर पाया तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर स्क्रूटनी कराते हैं, कॉपियों का रीचेकिंग आप कराते हैं, तो उसमें अगर नंबर आपका बढ़ता है, आप 40 की जगह 50 होता है तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर 40 की जगह 30 नंबर आपको मिलता है तो वहां पे 30 नंबर ही आपको दिया जाएगा। याद रखना बिल्कुल, यहां पे क्या होता है नंबर कम भी होता है, नंबर क्या होता है बढ़ भी सकता है। तो आपको क्या करना है, सोच समझ के क्या करना है, स्क्रूटनी को कराना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र का आपको 500 रुपए लगेगा, तो 6 विषयों का स्क्रूटनी करा सकते हैं, पुनः रीचेकिंग करा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपका इसी डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूं कि आपका नंबर स्क्रूटनी में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, स्क्रूटनी का नंबर होता है उसी को ऐड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा स्क्रूटनी के बारे में, कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में, एग्जाम के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।